हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स वे ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है, अवश्य अवश्य और अवश्य। सो डेफिनेटली 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 एब्सोल्यूटली सर्टेनली व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। सो डेफिनेटली हमको जानने का हक है कि हमारे जिंदगी में क्या क्या आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, देख लेते हैं कि आपके जिंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, क्या आ सकता है। प्लीज बताएं यूनिवर्स, प्लीज बताए, प्लीज गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी डू हैव द मलिका ऑफ कप्स, कप्स, ओके, वी डू हैव द शाह ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों इंट्यूशन हुआ अभी कि किसी का जन्म शायद बसंत काल में हुआ है, इन द स्प्रिंग सीजन। सन ऑफ कप्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स, मलिका ऑफ कप्स एंड शाह ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी डू हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, ओके, हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स, साकी है यहाँ पे। वी डू हैव द डॉटर ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड अदल, दिस इज द जस्टिस, वेरी गुड, ओके। सो एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ पे है। ऑलराइट, सो ऑल द साइंस आर देयर। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 9, 2, 8, 7, 9, 2, 8, 7 एंड 11। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में अवश्य 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 क्या आने वाला है। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि इस तरह से कि आपकी जिंदगी में जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने हैं, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो आपको भरपूर मिल रहा है। एंड डेफिनेटली इतना प्यार भरा रिश्ता आपको मिलेगा कि उसका ओवरफ्लो होते हुए आप देखेंगे, मतलब पूरी तरह से जैसे जल जो है, जो झरना है, जिस तरह से वो बहती है, उसी तरह से वो आपकी ओर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ कमिंग वेरी फास्ट इन योर लाइफ, इट इज़ नॉट स्लो, स्लो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ कनेक्शंस थे जो आपस में आप लोगों का मैच नहीं हो पा रहा था, मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन मेंटेलिटी, डिफरेंस इन बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग फेथ, अलग अलग भाषा, इस वजह से आप दोनों में शायद तकरार होता था, या आप जिस इंसान को बेइंतहा प्यार करते थे उन्होंने शायद आपको रेसिप्रोकेट करना ही भूल गए। दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट द सेम क्वालिटी और द सेम लव और द इक्वल लव। फिर आप क्या हुए, आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आए, ठीक है, आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाए उस इंसान के सामने, आप बार बार, ठीक है, जैसे होता है ना कि बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं, कब नोटिफिकेशंस आता है, बहुत सारे केसेस में आ सकते हैं, जैसे बिल अगर ड्यू है तो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, मैसेजेस आते हैं तो नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन मतलब जो हमें मिलता है अलार्म या सिग्नल जो भी है। सो तमाम जो चीज़ें आपने काफ़ी ट्राई किया कन्विंस करने का, बिकॉज यू आर फिल्ड विथ लव, जिसके पास अबंडेंस ऑफ लव होगा वही प्यार दे पाएगा, जिसके पास प्यार की कमी होगी वो कहाँ से दे पाएगा।
आपने जो वक्त गवाया है, वेस्टेड अमाउंट ओके ऑफ एनर्जी यू हैड स्पेंट ऑन सम पर्सन जो बिल्कुल उसका हकदार था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। अभी जो आपके जीवन में आने वाला है, जैसे बोला जाता है कि वेन एवर वी पुट सम एनर्जी इंटू अ कंस्ट्रक्टिव वर्क, जब हम कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे, जब हमारा एनर्जी चैनलाइज्ड होता है इन अ प्रॉपर फॉर्म इन द राइट डिरेक्शन, तब हमें वापस भी वही मिलता है खुशी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे सेटिस्फेक्शन, ढोल बजना, ढाक बजना, संगीत, मेहंदी, रीति रिवाज के साथ, धूमधाम के साथ सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में आते हुए। नाउ इट कैन बी एनी टाइप ऑफ योर सेलिब्रेशंस, इट कैन बी पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है, प्रोफेशनल अचीवमेंट हो सकता है, इमोशनल, ऑफ कोर्स इमोशनल जो आपके नीड्स थे। जनरली सब लोग चाहते हैं कि जितने भी वो सक्सेसफुल हो, कि वो अपने फैमिली में उसका एक दर्जा हो, एक रेस्पेक्ट हो, सोसाइटी में हो, लोग उसको माने, लोग उसकी बात को अहमियत दे, ठीक है, एक प्यार जो है सब लोगों से वो चाहते हैं। एवरी वन नीड्स लव बेसिकली। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिर्फ प्यार ही नहीं, बट आपस में कम्युनिटी इज सपोर्टिंग यू बेसिकली। ऑल राइट, सो वट एवर इज योर नीड्स, वट एवर इज योर डिज़ायर, जो भी आपके गोल है, जो भी आपके एम्बिशन है, इट्स ऑलवेज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। आप जैसे खुशी लोगों को देना चाहते थे, वैसे ही आपने लोगों को खुशी दिया, और वापस में आपको क्या मिल रहा है, यही मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आपने किसी का जीवन जो है अच्छे तरह से आपने डिज़ाइन किया था, तो वही मिलेगा। जो चीज़ आपको रोक सकता है, देखो नेगेटिव चीज़ भी आ जाता है, राइट, हमारे ज़िंदगी में जब पॉजिटिव एनर्जीज भी आते हैं तो हमारे उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो जैसे होता है ना, कभी कभी कुरियर क्या होते हैं, रॉन्ग एड्रेस पे भी पहुंच जाता है। हमने दो तीन एड्रेस सेटअप कर लिया, गलती से हमने गलत एड्रेस पर भेज दिया, जिस एड्रेस पर हम नहीं रहते या हम बाद में जाएंगे, अभी शायद नहीं रहते वहाँ पे, तो गलती से वहाँ पे हो गया, तो पार्सल कहाँ पे जाएगा, रॉन्ग एड्रेस पे चला जाएगा। तो उसी तरह से रॉन्ग डायरेक्शंस में भी हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जिम्मेदार होता है कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं बेसिकली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपको ऐसा लग सकता है कि समवन इज ट्राइंग टू प्रिवेंट यू, कोई आपको तो रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था ना, आप किसी को, आप महाराज के साथ या बहुत बड़े पोजीशन वाले लोगों के साथ मिलने के लिए जाए, तब तो ऐसा दरवाज़ा केबिन वेबिन कुछ नहीं था, तो दो लोग होते थे वहाँ पे, दो सिक्योरिटीज होते थे जो तलवार को ऐसा करके रखते थे, शायद आपने देखा होगा, उसी तलवार से जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको रोका जा रहा है। बट दिस इज़ योर फीलिंग, दिस इज़ योर इनसाइड फीलिंग कि नहीं, शायद मैं उस दिशा में जाऊँ तो शायद मैं स्टक हो जाऊँ, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहे होंगे। कुछ आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूशन हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपकी कन्फ्यूजन्स हो सकता है कि मैं किस चीज़ को चुनूँ, हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स को रिलेटेड हो सकता है कि मैं साइंस फील्ड में जाऊँ, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, मैं मेडिकल में जाऊँ, मैं लेबोरेटरी में रिसर्च करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या आर्ट्स फील्ड में चला जाऊँ या चली जाऊँ, वट एवर। सो देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शन, शायद आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी डिसाइड करने के लिए आप सोच रहे हैं, मे बी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, रिश्ता भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन शायद आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। जब भी हमारे पास ऑप्शंस होगा तभी हमारे पास कन्फ्यूजन्स भी होंगे। सो ऑप्शंस आने में भी एक डिसएडवांटेज यही है कि जैसे बोलते हैं ना कि हमारे, मेरे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे तो यही सिलेक्ट करना है, पर ऑप्शंस आने से भी क्या होता है, कन्फ्यूजन्स होते हैं। आप कभी बार कहीं पे भी जाओ, आप खाना खाने तभी आपको और भी ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है, कभी कभी आपको गिल्टी फीलिंग लगेगा, अरे मैंने ज़्यादा मीठा खाना खा लिया, लेकिन ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे मीठे का, तो आपने वहाँ से एक सिलेक्ट किया, आपको लगा कि नहीं अरे नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वहाँ से वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा नमकीन भी तो मिल रहा था, मुझे वो भी तो खाना चाहिए था, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू कैन फील गिल्टी
बट आपने शायद कोई गिल्ट नहीं है, कुछ आपने किया नहीं है, बट फिर भी आपको महसूस हो सकता है। हो सकता है इन पास्ट सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी हो सकता है कि यू विल फील लाइक, अरे काश मैंने वो समय जो मैंने खो दिया था, ठीक है, मैं सिर्फ खाम खा इस रिलेशनशिप में या इस जॉब में अटका हुआ था, या कहीं ना कहीं पे यू गॉट स्टक इन सम जॉब, यू आर स्टिल स्टक इन सम जॉब, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं यहाँ से निकल के चली जाऊँ तो अच्छा है मेरे लिए और ऑप्शंस आना चाहिए। लेकिन जब ऑप्शंस आ भी रहे हैं तो आपको आपको लग रहा है, हो सकता है कि वहाँ के मैनेजमेंट अच्छे नहीं हों, वहाँ के बॉस अच्छे नहीं हों, शायद कलीग्स भी इतना अच्छे नहीं हों, वहाँ पर एडजस्ट होने में मुझे टाइम लग जाएगा। सो इस तरह की चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप ऐसे इंसान डेफिनेटली है, आने वाले समय में जैसे होता है ना कि यू विल बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जो प्रोजेक्ट को लेके आप बैठे हैं या जो भी रिलेशनशिप को आप लेके बैठे, अगर आप उसमें थोड़ा सा नर्चर करें, थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है, जब आपकी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप मेकअप भी कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड यू कैन बिल्ड इट इंटू योर ड्रीम प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें, अगर आप प्रोफेशनल चीज़ों को बात करें, वहाँ पे भी हम अपने प्यार से ही, जैसे प्रोजेक्ट है वो हमारे, लेकिन वो हमारे बच्चे के जैसा है, हम उसको लाड प्यार नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो प्रोजेक्ट भी कभी भी पूरा नहीं होगा। देखो किसी किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, सपना किसी तरह से हो सकता है, ओके। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि जस्टिस विल पे द रिवॉर्ड्स टू यू, डोंट वरी। जैसे मैंने आपको कहा, आपने एनर्जी दिया है तो पॉजिटिव एनर्जी भी आप रिसीव करेंगे। कभी भी इस दुनिया में इम्बैलेंस नहीं होता, जो हमें दिखता है इम्बैलेंस वो शायद इम्बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, क्यों? क्योंकि कर्म का इम्बैलेंस है, शायद पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा इसलिए ये अच्छे इंसान को भी ऐसा भुगतना पड़ रहा है। ओके, सो एवरीवेयर आई कैन सी सम बैलेंस विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ना बैलेंस किस प्रकार का, शायद आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते थे एक ही चीज़ों के ऊपर, ओनली यू हैड प्रायोरिटाइज ओनली वन थिंग। अभी आप दोनों दो तीन चीज़ों के ऊपर आप फोकस बराबर से करोगे, अपने घर भी, अपने फैमिली भी, अपने बच्चे भी, अपने एजुकेशन भी, अपना करियर भी, ठीक है, बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट्स भी, क्लाइंट्स भी, यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। कि नहीं, ऐसा लोगों को नहीं बताना है आपको कि आप तो सिर्फ और सिर्फ काम ही करते रहते हैं, घर का काम कहाँ किया आपने, नहीं किया आपने, ये सब चीज़ आप और नहीं सुनेंगे। सो जो भी शिकायत है, मे भी आपके हो सकता है कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स या ऑडियंस जो भी है, वो शायद बोले कि इस तरह से हमें चाहिए, उस तरह से हमें रिजल्ट चाहिए, इस तरह से वो करना है, तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दैट एरिया। बेसिकली आई डू थिंक सो दैट अ कमिटमेंट इज कमिंग टूअर्ड्स यू, बट ये जो होगा ना आप दोनों में जो प्यार होगा, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, इट विल बी एवर लास्टिंग, ठीक है। एंड आई डू थिंक सो दैट ऑफकोर्स यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, अब सही दिशा में जा रहे हैं, यू आर द ब्राइट स्टार एंड डेफिनेटली द पॉजिटिव थिंग्स इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। नेगेटिव थिंग्स से आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लड़की है या जो भी एनर्जी है, ये पीछे मोड़ने वाला एनर्जी तो है ही नहीं। दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट एंड शी विल मूव टूवर्ड्स द लाइट और ही विल मूव टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि हमें और भी पता चले। लेट मी सी, दो और डेक से कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर यू। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, देखा, कमिटमेंट उस लेवल का जहां पे बराबरी का रिश्ता होगा,
जहाँ पे अनइक्वल नहीं होंगे। अनइक्वल हुआ तो इम्बैलेंस हुआ। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा थकान आपको आ सकता है, थोड़ा लेथर्जी आपको फील हो सकता है, बट कुछ सिचुएशंस में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको लग सकता है कि आप उस चीज़ में रुके हुए हैं, कोई आपको नहीं बोल रहा है रुकने के लिए, यू कैन मूव ऑन। ठीक है, आप मूव ऑन करें। टू ऑफ कप्स, देखो बार बार एक कमिटमेंट, बार बार जस्टिस, जजमेंट, इसका आने का मतलब यही है कि जैसे आप पुकार रहे थे, ठीक है, एंड यू आर फोकसिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग इन द राइट डिरेक्शन, प्रॉपर चैनल, यू कैन से दैट चैनलिंग आप कर रहे थे, उसको करते जाओ, डू दैट। एंड आई डू थिंक सो द जजमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ रीबर्थ, ओके, ऑफ अ कनेक्शन या एनी रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस कनेक्शन हो, पार्टनरशिप हो, चाहे वो ड्रीम प्रोजेक्ट हो, चाहे अपने पर्सनल गोल्स हो, यू विल डेफिनेटली गेट इन रिटर्न। आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड, कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइक इन फ्यूचर यू कैन ओपन शॉप्स जिसमें ना हर वेराइटीज, ठीक है, बहुत सारे वेराइटी चीज़ें जो है ना एक ही छत के नीचे हो सकता है। यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं विदर चार्म। स्टार, 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 मैंने आँख बंद करके ही रखा था, फिर भी दो तीन स्टार आए यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक दैट कि इस टावर की तरह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा, इट विल रीच द हाईएस्ट पीक, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बर्निंग टावर। कमिटमेंट कैन कम टूअर्ड्स यू, ऑफ कोर्स स्मॉल स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू जर्नी, रूनस से हमें पता चल रहा है न्यू जर्नी, इट्स फ्लावर, बट आई डू थिंक सो दैट कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं दैट समवन इज कास्टिंग एन इविल आई ऑन यू, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट हीलिंग एनर्जी इज कमिंग टूअर्ड्स यू। कितने बार स्टार्स आए, देखो अटैचमेंट आपका किसी के साथ अभी भी है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे है क्राउन चक्र, सो योर थर्ड आई चक्र, अजना चक्र इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। यहाँ पे देखो एक वाइट, एक दिस वन इज दिस पिंक एंड दिस इज अ ब्लैक, सो मे बी इट्स अ टू इन्फ्लेम कॉम्बिनेशन, मे बी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन विद अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, वाओ पिंक हार्ट। सो फ्रेंडशिप, कनेक्शंस, कम्युनिटी, लव, इस तरह के प्यार आप रिसीव करेंगे। एंड अगेन अटैचमेंट, आई डू फाइंड द एंजल फेदर्स जो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब्र नहीं रख रहे हैं, आप जल्द से जल्द भागने की, मतलब उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हॉल्ट कर जाए, रेस्ट ले ले, एंड देन यू कैन रिकवर इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।